आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पतले जिस्म की औरत के साथ हम बिस्तरी करने के शहवत अंगेज फायदों के बारे में। कुदरत ने औरत को इसलिए बनाया है कि वो अपने मर्द की जिंसी ख्वाहिश को मिटाकर मर्द को जिंसी सुकून दे। औरतों की जिसामत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, कुछ औरतें मोटे जिस्म की होती हैं और कुछ पतले जिस्म की। आज की वीडियो में मैं आपको पतले जिस्म वाली औरत के साथ हम बिस्तरी करने के दो हैरत अंगेज फायदों के बारे में बताऊंगी, इसलिए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो खास एजुकेशनल पर्पस पर बनाई गई है, बराए मेहरबानी इसका कोई गलत मतलब ना लिया जाए। नंबर एक, पतले जिस्म वाली औरत को मर्द बहुत जल्दी शहवत में ला सकते हैं उसके साथ रोमांस करके, क्योंकि पतली औरत के पस्तानों को छूने से ही ना उसकी शहवत बढ़ने लगती है और वो मर्द के साथ मुबाशरत के लिए तड़पने लगती है, और मर्द उसके साथ जब मुबाशरत करता है तो उसे आसानी से अपनी बाहों में उठाकर उससे हम बिस्तरी करके लुत्फानंदोज हो सकता है। ऐसा करने से औरत की शहवत और बढ़ती है और औरत को ज़्यादा मज़ा आने लगता है और उस पर एक मस्ती सी छा जाती है। लेकिन इसके बरक्स मोटी औरत के साथ मर्द उसे बाहों में उठाकर हम बिस्तरी नहीं कर सकता और उसके ज़्यादा वजन की वजह से मर्द को भी इस तरह की पोजीशन से हम बिस्तरी करने में बहुत लज्जत मिलती है। नंबर दो, पतली औरत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और मुबाशरत के दौरान मर्द को बहुत मज़ा देती है। अगर मर्द मुबाशरत के दौरान औरत को गोद में बिठाकर मुबाशरत करता है तो मर्द को लज्जत महसूस होती है, क्योंकि इस तरह से हम बिस्तरी करना मर्द की शहवत को भी बढ़ाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर मर्द मोटी औरत को मुबाशरत के लिए गोद में बिठाना भी चाहे तो भी नहीं बिठा के कर सकता, क्योंकि अगर मर्द ऐसा करता है तो मर्द को लज्जत और सुकून की बजाय तकलीफ और थकावट का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ खास टिप्स पतले जिस्म की औरत के साथ हम बिस्तरी करने की। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।